ifo chuke banjo se na da sadia familia na da ifo zero ra hero ban gaya ifo da jiska jiska ne tasveer banaya public minta karne ki yaar ek tasveer banane de choda इफो भाई की स्पेशल सलाम दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फैन है कनाडा च बैठा ना। पहाड़ी ने चुके व्यूवर्स जेड़े दे दा ओ बहुत लोफर लवंडर और आवारा बिल्कुल आज ऊंचा आवारा की लोग अप्रिशिएट करने इतने माकूल टीमों बहुत ज्यादा दिया तुसे ने व्यूवर्स समझे ने टीमों बनने बनने एक ट्रेंड बनी आओ अली भाई माशाल्लाह तुसे ने व्यूअर्स बहुत अच्छे दे मैं वीडियोस वगैरह तुसे ने देखना उन्हें इतने क्यों वायरल होने और इतने लोग लोग तुसे ने वीडियोस क्यों देखने ए बंदे नहीं 19 19 20 20 घंटे नहीं जाग राता नींदर कटना और ट्रैवलिंग नहीं नजरिए नहीं हाथ जोड़ी गिल्ला कर सा कि यार जिथे गए ने हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज तुहाडा अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की खास नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान शख्सियत और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप इन्हें कह सकते हैं और सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस बहुत ही वायरल जा रही हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ मैं कनाडा में बैठा हुआ बहुत सारी जगहों की सैर कर लेता हूँ जनाब हमजा नसीर साहब की वीडियोज की वजह से। बैठे बैठे मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और मुझे ये फील होता है कि मैं उन्हीं जगहों पर घूम रहा हूँ। जाहिर है मेरा ताल्लुक भी उसी जगह से है लेकिन जब ये उन एरियाज को कवर करते हैं दिखाते हैं और बेसिकली सकाफत के हवाले से जाहिर है हमारा कल्चर और ट्रेडिशन और इस हवाले से उन वैल्यूज को उजागर करते हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। इफो भाई को भी मैं इनसे पूछूंगा कि इफो भाई आजकल कहाँ पे हैं। इफो भाई को भी शायद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ये भी हम इनसे सवाल पूछेंगे। तो आज चूंकि मादरी जुबान के हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है तो आज हम बात करेंगे अपनी मादरी जुबान में। हमजा नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई काल दा तुसेना वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी करम अल्लाह ने अली भाई तुस ठीक दिया खैरियत दी बस तुसने दुआ चाहिए नहीं। हमजा भाई सब तो पहले बहुत सारे लोग तुसने वीडियो देखने जा रहे हैं तुसने की जानने हैं लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि तुसने ताल्लुक किड़ जगह ना था और तुस क्या कर रहे हो बेसिकली। सर जी माड़ा ताल्लुक था बंजोसे सी बंजोसा आजाद कश्मीर में जिला पुंछ और तहसील रावला कोट विच है ना और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सी डबल मास्टर्स दिस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट दिस और माड़ा एक बिजनेस था इंटीरियर डिजाइनिंग नी मैन्युफैक्चरिंग फिर्म दी बंजोसा एंटरप्राइजेस ने नाय कने और उसकी अलावा मैं आवारगी और लोफरी और बेरा रवि करना है की आके छोड़ा ब्लॉगिंग करना है फिरना तुरना है दुनिया की कश्मीर दसना है और पहाड़ी जुबान बोलना है। तू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया इसने क्या वजह दी। यो दे देखा एक तो फैंस की मोहब्बत थी और दुआ में हमेशा एक गल आखना होना इसमें कि माड़े उस्तादे एक गल आखी सी कि हमजा कोई एक काम कर और उसमें चीता हो जा। तो मैं 2012 ना सोशल मीडिया यूज करना है इवन मैं एक दिन एक वीडियो शेयर की थी सी अली भाई उदू इतने इंटरनेट ना सा होना था उदू में कि एक अच्छा फोन लब असा नोकिया नी एन सीरीज ना N95 और मैं वीडियोस दा बनाऊं लेकिन इंटरनेट ना चला और पीटीसीएल नहीं है कि वो नहीं होनी सी वो सुचा वाली जड़ी सुचा स्लाइड है चार्ज कर देने से दस्या विसा के माड़िया है वो लगी नहीं पिछले कोई बॉस के अलावा ना ओ बॉस ने कोनी में की रेकमेंड की दादा मरी ने को सिग्नल होते हैं इनसे साढ़े कैर पहले भी मोबाइल फोन चलना होना सा एसकॉम ना नेटवर्क पहले चलना होना सा उसने वजह से वो इंटरनेट सर्विस आई और उन्होंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी साढ़े जेड़े बार परदेसी साढ़े भरा से ना ओ मैं की मैसेज करी करी पूछे कि यार ए दस के वीडियो दे चलो बनाने यो अपलोड किस तरह करना ही है वो तो एमए वैसा दौर चलना होना सा माशाल्लाह तुम उदो का ट्रैवलिंग करना है अच्छा उदो इतना कोई बोले ना कॉन्फिडेंट भी नसा होना कि टुट्टी भजी गुलाबी उर्दू बोलना होना से बहुत सारे लोग टॉन्ट भी करें कि क्या बोलना कुछ लाई नहीं वीडियो बनाई छोड़ी कुछ बंदे नहीं वीडियो बनाई छोड़ी। रिसेंटली कोई 6-8 माह पहले दोस्तें मेरे रिकमेंड किया कि यार तू वैसे बहुत फिरना ही दोबारा ट्रैवल ब्लॉगिंग करे मैं हल्के फुल्के अपने पर्सनल यूज क्या बंदा टिकटॉक या एटसेट्रा करना सा ते मैं दोबारा सी वीडियोस बनाना शुरू की थी प्रॉपर चूंकि मैं डेली है घूमने असे ना एक रूटीन होनी के हफ्ते विच एक दिन नहीं तो महीने च चार दिन हफ्ते चा एक दिन खाडा नहीं तो महीने च चार दिन खाडा अपने आप है क्या खाडा लाजमी बाकी काम काज करा की करा लेकिन अपने आप है क्या टाइम लाजमी खाडा ओ ट्रैवल वीडियोस बनाने लगे लोगों ने समाजी इश्यूज जेड़े से ओ हाईलाइट करने लगे और उसके अलावा कोई एजा कैरेक्टर में उन्हें की स्पेशल पर्सन आखना है जिन्हें की कोई नहीं पूछना या टॉन्ट करना उन्हें की प्रमोट करना है और रिसेंटली एक बंदा जरा रावला कोटा मजूब में उसने वीडियो शूट की थी सीधा माशाल्लाह 3.5 साल के बाद उसकी फैमिली लब भी गई
मुखातिब करने मतलब मैं मुहब्बत करने टीमो आखना एक शहदू वेला आखना उन्होंने के शरीको वो कहता कहता दोस्त आप जी कंपनियां तो इस दुए की छेड़ने होने से कोई एकाद मिस हो या ना कि हाँ आज तू शरीक नहीं था शरीको आज तू सड़ दास है करने वो फिर टीमों बनने बनने एक ट्रेंड बनी आओ माशाल्लाह टिकटॉक ऊपर 2 बिलियन व्यूज गेन है टीमों ने खाली पत्थर हमेशा फैलता रखता लगने उन्हें मैं मीमरे की भी रीपोस्ट करना है यार नावे जंग है चलो मार्केटा विच इन उन्हें की ना की चलते नहीं जरूर सही है एक तो दसा के मुर्शिद और मासेर ना मुर्शिद जेड़े दे ओ बागाने पास है मासेर जेड़े दे रावले कोटा इच और बंजू से साइड ऊपर का ओ पीर दे उनने की कहा हमने एक बंजू से बंजोसे वाले जहां से आल दे वैसे दे भी मासेरे से इंक्लूड उन्हें बंजोसे चूंकि एक दादे नहीं उला दिया इंटरेस्टिंग गल यो दिया कि पूरे बंजोसे से एक दादे नहीं उला दिया सारे जहां से दादे नहीं उला दी सारे जहां से आला खाने तो भी मासेरे से इंक्लूड उन्हें वेरी नाइस और इफो भाई सोशल मीडिया पर कोई आए और मशहूर हो ये अच्छा इफो चूंकि बंजोसे ना आदा साड़िया फैमिलिया ना आदा तो मैं सोशल मीडिया पर कोई टिकटॉक पर उसने को वीडियोस देखिया वीडियोस ही को लाखें च गई हैं लेकिन जंग है तो उसकी तंग करने से इरिटेट करने से माड़ा एक कजन दा साकिब सलीम और दुबई हूं ना बचपन ने दोस्त हैं तो आजकल दुबई का ना और मैं क्या आने लगा यार तू इसकी स्टूडियो विच बोला एक जुमे क्या ट्राई की थी नहीं आया दुबे जुमे क्या फिर ट्राई की थी खालिद अमीद दा साड़ा यूट्यूबर डिजिटल पठान वाला वो बड़ा गिला मेहनत करी नहीं आया स्टूडियो विच तो मैं इंटरव्यू जो तू मैं उसना वो पॉडकास्ट शेयर किया था लोगे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिता और मैं खालिद की आया कि तू इसना पेज बना ते ए चला मैं दे चुके कुते आगे पीछे नासो बजा जाऊ ने ओ उसने वीडियोस तो आतर करने में शेयर करना है देखा वो एक एग्रेशन सी ना उसनी ओ उसने आया था कि उसका ने तो सिर्फ मैच है नहीं गल कर लिया था वो पॉजिटिव रहे सी हालांकि लोग उसना गुस्सा पसंद करने लेकिन ये था कि वो जेड़ा उसकी तंग करने से था वही है इफो जीरो रा हीरो बनिया मतलब खाना खान पहुंचिया इफो भाई नहीं वो वीडियो बड़ी वायरल हुई नहीं जेड़ा मोदी की फोन करया ने आ बाड़ी मुंडी अच्छा मोत्री सही वा जी 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 ओ इफो तो साखा ना इफो ना बेसिकली मसला यो था कि इफो दो प्रादे दुआ भी सेम ही है ज्यादा कोई थोड़ा जा उन्हें डिसऑर्डर था उसने जेडी मेंटल ग्रोथ थी वो पूरी नहीं होया लगी नहीं उसना दिमाग जड़ा था वो बच्चे वाला था और उसने जेडी भी वीडियो शूट करने हो छप्पी लुकी शूट करने और बड़े बख्ते करने शूट करने हो वो इतना आसान परचा नहीं जितना दिसना होना आजकल चूंकि मौसम खराब था कुछ बजारा ला नहीं है ना तो मैं भी कुछ बंजो से आउट थे आजकल कुछ आगे पीछे रहना ज्यादातर तो बहरहाल कोशिश होनी कि जुमे वाले दिन जुमा अपने ग्राइंच पढ़ो बंदा लोगों के मिलिए ना क्योंकि जुमे क्या लोग बजारा बिछे ने जुमे वाले दिनों भी बजारा चाहिए ना था उसने वीडियोस वगैरह शूट करना होना लेकिन आजकल मैं भी कुछ आगे पीछे आउट वाने इस कला कोई आजकल थोड़ा जा मिसिंग था चलो इफो भाई की स्पेशल सलाम दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फैन है कनाडा बैठाना तो कुछ गुस्सा ना करें तो कुछ उन्होंने को नहीं गल कर रहे हैं लेकिन जी तो दसने के उन्होंने कहा कोई मामला थे तो चलो खैर उसी दुआ में क्या दसा के जाहिर है आज लोग जदों एजुकेशन आनी थी थोड़ी बहुत असे को थोड़ा जहा मतलब दो चार जगह देखी छोड़ने के आसे कि सब तो ज्यादा असे पता था ठीक है एक थोड़ा जहा एक कॉन्सेप्ट था इस पर शायद कुछ लोग कमेंट ही कर ले लेकिन ये सारी एक सोच एक परसेप्शन दी मतलब कोई यूनिवर्सिटी गया थी कॉलेज तक गया थी या पिंडी तक पहुंच गया तो थोड़ा जहा वो एक समझ नहीं आता उसमें क्या गल कर रहा है तुसे जो अपनी अपनी जबान गल किते ना मतलब इसके कोई मायूब समझ नहीं अच्छा इस ऊपर बड़े मजे मजे दी गल दिया मैं शुरू पहाड़ी बोलने लगे ना मैं जो 2012 ना करना से मैं उदू भी पहाड़ी बैठक करना होना सिर्फ लाइव है ना होना सिर्फ पहाड़ी की गल करना होना सिर्फ हूं जो मैं दोबारा स्टार्ट किया था मैं पहाड़ी बोलने लगे इस बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स सारे बड़े अच्छे दोस्त थे फैमिली फ्रेंड्स सर्कल सोशल सर्कल मैं क्या आने लगे कि यार गल ये दी कि तू बड़ी गल करना ही ते पहाड़ी ने चुके व्यूवर्स जेड़े दे दा वो बहुत कम दे दा तू कि देख सी कौन है पहाड़ी विच कश्मीरी थे या कितने दे जेड़े पहाड़ी बुझने या ऐदा मैं है कि कोई मसला नहीं अलहमदुल्ला सी
8 9 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਮੰਥਲੀ ਵਿਊਜ਼ ਹੁਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਨੇ ਆਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਆਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਿਆ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਨੇ ਉਹਿਆ ਉਹਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਨੇ ਮੈਂ ਲੋਫਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਿਮਣਾ ਤੁਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆਸਨ ਯਾਦ ਬਾਲਾ ਜਿਸ ਕੀ ਲੋਫਰੀ ਆਖਨੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆਖਨੇ असनियत बाना जिसकी आने के लोफर लवंडर और आवारा आज ऊंचा आवारा की लोग अप्रिशिएट करने ते गल का आखने चाहने कि आवारगी यदि ना दुनिया च अगर आवारगी यदि तो आवारगी है दिला कने कर लिया तो इज्जत लब सही है कोई कम दा दुनिया ना अगर वो दिला ही कर लिया तो उसी तुसे की रिस्पेक्ट लब सी डिसरिस्पेक्ट उस कैदा ने होने लगे अस पहाड़िए दिया मतलब टोपी मड़ी मैं तुसे आया कि मैं कंगी की दिया कंगा भी लभिया लेकिन मैं है कि पहाड़िए नहीं टोपी दी मैं पहाड़िया दे ठीक है दुई एक तुसे की इंटरेस्टिंग गल दसनेस कि मैं कोई एडिटिंग नसा करना हो वीडियोस इच जीरो एडिटिंग हुनिया इवन मैं की दोस्त पिटने होने के एक फिल्टर लाई छोड़ेस ए तस्वीर आ वीडियो एक फिल्टर लाई छोड़ ब्राइटनेस ज्यादा करी छोड़ पब्लिक की जेडी चीज जेनुइन होनी ता जेनुइन दसे नहीं कोशिश करना ऐसे नहीं कि मैं इस तरह दस ता मैं जुनो तुसे की इस तरह करी दसा उन सपोज मैं कुसा जगह ऊपर गेने असना तो फिल्टर लगे ने जगह इतनी बेहतरीन होनी तो उठे गची ता मैं आगे उसकी 100 गल ना सुना सके यार तू मैं बोला इस कौन जेडी चीज सही पब्लिक की हो जेनुइन दसा के यार ए चीज ये ए जगह ये इसकी इस तरह तू देखते ये तारे फायदे क्या तू क्या बेहतर दियो जेनुइन रियलिटी होनी चाहिए कंटेंट की एक तो सोशल वर्क भी कर रहा और दुआ लोगों की हेल्प भी कर रहा जा रहा है यो भी एक बहुत बड़ा मैं समझना इसके एफर्ट थी कि तुम कुछ दूसरे तय अच्छा समझने आज ने दौरी नेकी ये इस तरह तसव्वुर करी सकने अगर तुम कुछ तय अगर बेहतर करी सकने स्पेशली मैं देखिया आईफो भाई की जी तुम मुख्तलिफ जगह पर कहने सारे लोग अप्रीशिएट कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर कंट्रीब्यूट कर सका तो कोई उन्हें कोई गलबात मामले उन्हें नहीं है कि जी हेल्प जा रहा है स्पेशल लोग तो उन्हें स्पेशल अटेंशन चाहिए नहीं ठीक है इस तरह तो मजूब बंदे ने से गल की थी तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा ना कि एक फर्ज दा जा तू सदा करा पाना एक इंसानियत अन्य मुल्क अच्छे ऐसे पा चला कि इंसानियत ने कदर कह दी एक इंसान ने वैल्यू कह दी एक मजदूरा ने वैल्यू कह दी इथे एक मजदूरा ने भी हुई है वैल्यू दी और वजीर आजम ने भी हुई है ये राइट थे बेसिकली राइट ये थी जदों अस निकले ना अपने मुल्क चादा से पा चला गल ए दी के असे ने आना आसानियां के त्रिया दुनिया ने त्रिए दर्जे ने लोग ने इतने आखने के कानून जेड़ा बनना ना दा ओ जरूरत में वक्त त्रोड़िया बनना ते अस बेसिकली मिडिल क्लास तबके ने लोग दिया एंड टू माउथ गुजारा किते वाले लोग दिया इतने जिसनी अप्रोच थी जिसनी सिफारिश थी उसना कम होइए ना दा जिस बेचारे नी अप्रोच एक्सेस नहीं दा ओ बेचारा जीरो राउट होइए ना उइया इफोदा जिसकी कल डिसेबल और तंग करी छेड़ने से और आज उइया इफोदा जिसका जिसका ने तस्वीर बनाया पब्लिक मिंता करने की यार एक तस्वीर बनाने दे छोड़ा एक वीडियो बनाने दे छोड़ा उसका ने यो अली भाई एक बिहेवियर डिप्लोमेसी दी जी हाँ डिप्लोमेसी दुनिया चलनी ना असनी एक बिहेवियर डिप्लोमेसी दी अस बंदे ना स्टेटस देखी इस्लाम करने हैं अस बंदे ना पैसा देखी इस्लाम करना इतने कैरेक्टर जड़ा है ना ओ कोई नहीं देखना यो एक तू साहा कि सारा मेंटल डिसऑर्डर दा जेनी बीमारी दी की आखी सकने हैं लोग बहुत सारे माइंड करने में कदा कदा कोई सख्त का लाखी चुनने लोग ने गले की माइंड करने लेकिन कहता अस रियलिटी तस्लीम नहीं करने दुआ बड़ा मसला कहता कि जदू अस पतना पार नहीं ना चढ़ने लगे कुछ दुए ना कल्चर नहीं देखने लगे रेंज से नहीं देखने लगे उदू ऐसे की अपना आप मतलब बादशाह लग सी आसिया बादशाह दियो आसिया सरदार दियो आसिया बादशाह दियो जो तू कुछ दुए ना कल्चर देख लिया दुए ना नॉर्म्स देख लिया रेंज सेम देख लिया फिर तुसे की समझे सी कि यार ए इतना बड़ा आदमी दा देखने सिर्फ स्टेटस के बंदे को बड़ी गाड़ी दी बंदे को पैसे दे बंदे नहीं हेलो आए दी तो ठीक है यार एक डिप्लोमेसी दी असे ने बिहेवियर जेडी चेंज होना बहुत जरूरी दी इसकी मैं आखना के जेनी बीमारी दी ए जेनिया बीमारियां जा निकल ले ना तो फिर जेड़ा दास को तो आगे लंगी सकने को तो सिविलाइज मार्शल की तरफ लंगी सकने बाकी सोशल वर्क ना एदा के पहले मैं भी बहुत स्पार्क हूं सा साड़ा एक दोस्त था शकीब फारूक आजकल यूएसए होना शायद तुझ जानने वास होने मेरे वाला शकीब उन्हीं में भी वो स्पार्क लाया मैं आगे शायद दस से औरने की लाया लेकिन वो आने उन्हें इंसानियत जिंदगी बाद ऐसा ये जो वाकया तूने कि वो मैं सोशल जड़ा वर्कता तो बिल्कुल आहुन एक कात सी दुए हाथ वाला चक्कर वाना कोई बहुत नेसेसरी हुआ था बंदा सोशल मीडिया पर उसकी आना वो भी तरगीब नहीं अगला आना चैरिटी करनी में बंदे थे ऐसे को सोशल मीडिया ढेर चढ़ा ना दस से साइट्स ऊपर अपनी अपनी पोस्टर लाइन टैग बड़े बड़े पोस्टर शेयर करी छोड़ा आगे करवा छोड़ा मतलब मैटर नहीं करना लेकिन ये कुछ सारा काम होना चाहिए ना सारिया पोस्टर नहीं वजह से कुछ सारा काम होना इसकी बड़ी खुशियां नहीं ऐसे क्या क्या गल हुई से वेरी नाइस वेरी नाइस हमजा भाई लास्टली क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वाले की
अली भाई माशाल्लाह तुसने व्यूअर्स बहुत अच्छे थे, मैं वीडियोस वगैरह तुसने देखना होने ते अक्सर मैं जिन्हें जगह ऊपर गिने ना ते बाद इस बहुत शिकवे होने की यार जगह तू गंदी करावा छोड़ी दसी दा तू छोड़ी, लेकिन जब पब्लिक पहुंच नहीं रहा वह गंदी करनी। पहली गल यदि कि हाथ जोड़ी गिला कर सा कि यार जिथे गए कुछ भी टूरिस्ट स्पॉट ऊपर गए उसकी गंदा ना करा, तुम इस मुल्क रहने ना तुम 3 महीने बाहर सटने तुम्हें कि पता कि यार इतने फाइन उसी फाइन इंपोज होना असने मुल्क मसला यह कि फाइन इंपोज फाइन तो अलावा एक नॉर्म दी मतलब है नॉर्म दी आप खुद अच्छा नहीं लगना कि यार ये इतनी साफ जगह दी मैं क्यों गंदगी फैलाऊं। सर जी इतने अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं सीने लगा, लेकिन एक ठीक ठाक टीचर एक बड़ा रुतबे वाला आदमी होना कह रहा पेपर टंगी यानी लंगनी कुसानी अजमीना छट्टी गेने उठी मैं कितना मतलब आई विक्टम थी इसके मतलब मैं कितने लोग देखे असे ना एक बड़ा मसला गंदगी का जदू ये गंदगी साफ हो गई ना जमीने नहीं भी दिमागे नहीं भी अस सिविलाइज हो गए असे को किसी चीज़ की कमी नहीं आ अस दुनिया ने लैंड लॉर्ड कहलाए जाने वाले लोग दें तो इस मुल्क कितना डिवेल्प कंट्री था लेकिन हर बंदे को जाती जमीन असे को जाती जमीन थे एक मरला दी या एक कनाल दी या एक मरबा दी अस लैंडलॉर्ड दी लैंडलॉर्ड हुई उन्होंने जिसको जमीन होनी बड़ी गड्डी होए कने या रेंटर ने करता है कने बंदा लैंडलॉर्ड नहीं होना तारीफा चाहे तो उसने अम्मा नहीं चेक करा अस भी अगर मतलब ऐ की करा तो फिर इसी साड़ा अपना कसूर था कुछ ना कसूर नहीं। एक गल मैं ऐड करूं जब मैं कनाडा च आया मैं अच्छी यह लगे कि साड़ा वाला कश्मीर का उसने एडवांस फॉर्म दी यानी 100 साल बाद साड़ा कश्मीर जहा उसी उइये जहा मौसम मतलब नेचुरल ब्यूटी उइये चीज दी मतलब जैसे बंजो सा लेक नहीं गल की थी लेक उस तरह नहीं है दियो तो ये मैं लोगों को नहीं है अपना एक्सपीरियंस शेयर करो इसके मैं ये लगना कि माड़ा जरा होम टाउन था उसने एडवांस फॉर्म दी 100 साल बाद शायद साढ़े हुक्मरानी के शायद कुत्ता कोई अल्लाह ताला उन्हें हदायत दिया उस तरह नहीं फॉर्म अस देखने उइये चीजों दी सारी चीजों दी तुसे लैंड नहीं गल की थी अली भाई मसला यो दा ना मसला यो दा कि टूरिज्म एक इंडस्ट्री थी स्विट्जरलैंड एक इंडस्ट्री बनाई नहीं ना इंडोने थाईलैंड वाले इंडस्ट्री बनाई नहीं सिंगापुर वाले इंडस्ट्री बनाई नहीं श्रीलंका वाले इंडस्ट्री बनाई नहीं असें की समझ नहीं उसनी वजह कह दी कि असें को जड़ा इको टूरिज्म दा ओ नहीं देखा एक आदमी पिंडी लाहौरा सी उठी है ना अगर बंजोसा जिला रे ना सपोज रावला कोटे ना उसकी असुईया बट कढ़ाई वाली कढ़ाई 1000 रुपया महंगी करी देने पागल था कि वो बट कढ़ाई 3500 उत्थे छोड़ी थी यानी 5500 या 4500 खासी नहीं आम आदमी ने इस फायदा कह दू उसी कि जदू अस एक गेस्ट हाउसा वाला एक टमाटर एक देसी मुर्गी एक सागनी गठली खरीद सी उसको ला एक महल्ले वाले को ला ग्राए वाले को ला उसकी भी पता चल सी कि टूरिस्ट है ना तो माड़ी है चीज बिकनी माड़ी है चीज बिकनी उसने भी इनकम जनरेट हो सी फिर वो सफाइया ना भी ख्याल रख सी फिर वो कम भी कर सी फिर वो मेहनत भी कर सी ऐ मसला था कि आसे को इको टूरिज्म दा ना इस ऊपर बिल्कुल नहीं कम हुआ लगाना आसे को टूरिज्म दा बड़ा गेस्ट हाउस होना चाहिए ना आगे मुड़ी ठेके ऊपर दे छोड़ो चुप कह रही पैसे इन्हें मेन आसे को एक एक जेन्युइन मसला आप ही कम ना करा एक तुसे ने सवाल ना जवाब के इतने क्या वायरल होने और इतनिया इतने लोग दूसरिया वीडियोस क्यों देखने ए सिर्फ व्यूज दिसने उन्हें ए बंदे नहीं 19-19, 20-20 घंटे नहीं जाग राता नींदर कटना और ट्रैवलिंग नहीं नजरिए नहीं हमेशा जेडी बंदे नहीं एफर्ट होनी ना वो कहता कोई नहीं देखना या कहता कोई नहीं पूछने ला के तू कुछ इतने पहुंची आहने के तू आज ऐ हो यही मतलब ऐ उन कितने नौजवान में कि मिलने ना ते ऐ साड़ी वीडियो रीपोस्ट करी छोड़ा फिर मुड़ी चलो रीपोस्ट भी करी छोड़ी दुए तड़ आहने ओ जी यो वायरल नहीं हुई है और बंदा एकदम ही वायरल हुई मेहनत कर दे सबर सारे को ज्यादा जुड़ी था ये अल्लाह ने काम दे अल्लाह बेहतर जाने आने के बाद तुझ मन तशा तू जिल मन तशा था बाकी अल्लाह ने इख्तियार इसका इंसान मेहनत करी सकना। हमजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुसे ना और इंशाल्लाह विल कीप इन टच और इफो भाई की एक जबरदस्त सलाम दिया और इंशाल्लाह फिर मुलाकात और चलो तुसे रहसी।